और फिर ये मेरा फोन, इसको स्क्रीन ऑफ कर दिया और फिर ये कुछ ऐसा सीन है पीछे का, ये स्टेफनी है और अपने को तो कार थोड़ा बहुत आती है बट अभी ये तो भाई लगता है 3 मिनट में निकाल देगा हो तुम, इतना स्पीड में मारेगा हो सारा। सुपर सुपर आ जाओ, आ जाएगा। पूरा लाइन मीटर चुकी है तो इधर भी पानी हो चुका है, देख सकते हो बारिश ज़्यादा हुआ है ना, इसी कारण से पानी बहुत ही ज़्यादा भर चुका है। तो यहाँ से कार स्टार्ट होती है, यहाँ से आगे जाओ और फिर यहाँ पे एक ब्रेकर होती है गाइस, ये मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ईटा है ना, यहाँ पे एक ब्रेकर होती है तकरीबन 60 फीट ऊपर, इतना ऊंचा बोल सकते हैं। सो जय श्री राम गाइज, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज आज संडे का दिन है और सुबह सुबह गाइज काफी ज्यादा बारिश हुई है, क्योंकि इधर थोड़ी सी भी धूप होती है ना उसके बाद बारिश हो जा रही है, तो ठंड का मौसम में बारिश समझ सकते हो यार क्या ही सीन हो जाता है। तो आज संडे है और फिर आज अपन लोग जैकेट भी पहन चुके क्योंकि ठंड लग रही है ज्यादा, और आज अपन लोग कहीं बोलते हैं ना वो जो कुछ सीक्रेट प्लेस होती है ना, प्लेस या फिर कुछ और भी है, उसके लिए अपन लोग निकलने वाले हैं, काफी नेक्स्ट लेवल वाला होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना। और आज गाइज अपन लोग 4 व्हीलर से जाने वाले हैं, क्योंकि राहुल 4 व्हीलर लिया था और फिर उसी से अपन लोग आज जाने वाले हैं। तो वीडियो कहीं भी स्किप मत करना गाइज, अभी बस अपन लोग नाश्ता करते हैं और फिर यहाँ से घर से निकलते हैं। ये अभी अपन लोग 2 केला और फिर 1 संतरा खाएंगे और फिर 1 गिलास अपन लोग मस्त वाला, इस गिलास से 1 गिलास अपन लोग सत्तू पियेंगे और फिर घर से निकलेंगे। तो उसके लिए अपने को सत्तू निकालना पड़ेगा गाइस। सो ये देखो ये हमारा सत्तू है, इसको अपन लोग घोलेंगे गिलास में और फिर 1 गिलास पियेंगे, क्योंकि सुबह सुबह है, सुबह सुबह कुछ नाश्ता अपन लोग खाना वाना नहीं खाते, तो यही नाश्ता करते हैं, 2 केला 1 संतरा और फिर 1 गिलास सत्तू। ये कार का अंदर से है गाइस, ये देखो 800 है मारुति सुजुकी, इसी से ड्राइव ले रहा है और फिर ये अपना फोन जिससे अपन लोग वीडियो प्ले कर रहे थे और फिर अपन लोग गोप्रो से आज वीडियो बना रहे हैं, तो क्वालिटी कैसा ये भी बताना आप लोग। और फिर ये पीछे का सीन और फिर ये मेरा फोन, इसको स्क्रीन ऑफ कर दिया और फिर ये कुछ ऐसा सीन है पीछे का, ये स्टेफनी है और अपने को तो कार थोड़ा बहुत आती है बट अभी अपन लोग भी चला के थोड़ा सा देखेंगे गाइस कि अपन लोग कैसा चलाते हैं, और फिर यही कुछ सीन है गाइस। और अपना लाइन बन के हो चुका है रेडी। ये क्या चीज का लाइन है, ये पार्किंग वाला? हाँ। अच्छा उधर से पार्किंग हटा के यहाँ पे कर दिया। हाँ। और ये पार्किंग कर दिया, वहाँ से हटा दिया, यहाँ पे पार्किंग कर दिया, तो यहाँ। सो फाइनली गाइस अभी अपन लोग आ चुके हैं, ये अपना कार और यहाँ पे अपन लोग चलाने वाले हैं। और फिर ये देखो राहुल यहाँ पे चीना मीटर चुका है, जो भी लाइन था ना व्हाइट पट्टी से वो लाइन मीटर चुका, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे ही बस खुद से हाथ से ही लाइन मारा है। और फिर ये देखो ये गोलापुर फील्ड है, उधर JP कॉलेज और यहीं पे अपन लोग कार ड्राइव करेंगे। ये देख रहे हो ये क्या है, ये वाइट लाइन, ये 8 है, चारों तरफ घूम के ये 8 है और ये वाली S है, ये जो लाइन मार रहा है ना ये S है, ये देख सकते हो यहाँ से ऐसे जाते हैं, वहाँ से S है, Z की तरह ये S है भाई। और फिर यहाँ से हाँ भाई जेड की तरह ही ऐसा है, ऐसा थोड़ी है, सो मानो तो ये जेड ही है लेकिन एस इसको बोलते हैं, तो क्या और बोल सकते हैं। और आगे आओ ना तो भाई लाइन तो पूरा मीटर चुका है, हालांकि आप लोग थोड़ा थोड़ा लाइन दिख रहा होगा। और फिर अपन लोग स्टार्टिंग किधर से होती है, ये वाली स्टार्टिंग है क्या? नहीं ये वाली नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग होगी शायद, भाई लाइन ही पूरा मीटर चुकी है यार, पूरा लाइन मीटर चुकी है। तो इधर भी पानी हो चुका है, देख सकते हो बारिश ज़्यादा हुआ है ना, इसी कारण से पानी बहुत ही ज़्यादा भर चुका है। तो यहाँ से कार स्टार्ट होती है, यहाँ से आगे जाओ और फिर यहाँ पे एक ब्रेकर होती है गाइस, ये मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ईटा है ना, यहाँ पे एक ब्रेकर होती है तकरीबन 60 फीट ऊपर, इतना ऊँचा बोल सकते हैं, 7 फीट ऊँचा। और इधर आओ तो इधर देखो, इधर थोड़ा व्हाइट पट्टी दिख रहा है, ये देखो यहाँ से आने के बाद ना यहाँ पे पार्किंग लगाना पड़ता है भाई, ये देखो इधर आओ ऐसे ही वाइट पट्टी इधर का तो दिख रहा है,
और फिर यहाँ देखो ये पार्किंग है, ये वाइट पट्टी दिख रहा है, यहाँ पर अपने को पार्किंग करनी पड़ती है। सो यहाँ पे पार्किंग करो फिर आगे जाओ। ये पूरा वाइट पट्टी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है। और इधर से आओ और फिर वहाँ से बैक होना पड़ता है, लाइक क्या ही बोल सकते, ये वाइट वाला पट्टी देखो थोड़ा थोड़ा है। तो यहाँ से आओ, यहाँ से पहले एट बनाओ, फिर ये पूरा एट होगा। थोड़ा थोड़ा लाइन दिख रहा है, हालांकि अपने को चुना लेके आना चाहिए था, क्योंकि लाइन बना देनी चाहिए थी तो ज़्यादा बेटर होता। देखो हाथ से ही वो बेचारा बना रहा है ईंटा से। तो ईंट बनाने के बाद यहाँ से निकलो बाहर और फिर ये सामने आओ और फिर यहाँ से इस बनाओ गाइस। ये देखो ये इस का लाइन जा रहा है, इस का लाइन आप लोग बताओ ये इस का लाइन है क्या, ऐसा इस होता है, बट मान लो यार इस ऐसा ही है। लेकिन जो DTO ऑफिस में लेता है ना दिल्ली वाला, उसमें इस भाई पूरा एकदम रोटेट करके होता है। तो ये राहुल आज यहाँ पे कुछ चलाएगा, कार चला के देखेगा क्या सीन है। और जो भी इसका सीन है ना, मतलब किस लिए अपन लोग आ रहे हैं ना यहाँ पे चलाने के लिए कार, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में। सो ये राहुल अभी अपना ट्रैक पे उतार चुका है, अभी देखना यहाँ से ये पहले इसको एस बनाना, एस बनाएगा ना पहले भाई, पार्किंग पहले पार्किंग करेगा और इसके बाद एस बनाएगा, फिर एट तो उधर है ही, एट में उतना प्रॉब्लम नहीं होती है मेनली, जो भी प्रॉब्लम है ना वो एस में है और फिर पार्किंग में है, और जो ढलाऊँ होती है ना ऊपर 7 फीट वाली उस पर होती है। तो ये पार्किंग के लिए आ गया, अभी देखना कहाँ से कंट्रोलिंग होता है और फिर पार्किंग कहाँ पर करता है, और फिर ये क्यों ये सीख रहा है ये मैं आपको वीडियो का एंड में बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहना गाइस, क्योंकि वीडियो काफ़ी मस्त हो रहा है, काफ़ी मस्त जा रहा है। तो बहुत ही जल्द आप लोगों को पता चलने वाला आखिर ये सब ट्राई क्यों कर रहा है। आप लोग एक बार गेस करके बताना, एस एट और फिर पार्किंग और फिर वो जो 7 फीट वाली होती है ना उसको क्रॉस क्यों करनी होती है, गेस करके कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना जरूर गाइस आप लोग। और फिर ये देखो ये सही काट रहा है क्या, ये लाइन देखो बाजू में ही है भाई साहब, पीछे आ रहा है, ध्यान से ध्यान से, अगर उधर उड़ा रहेगा ना तो फंस जाएगा वो, तो लाइन है तो बच गया तुम्हारा, अभी और पीछे आओ ना काट के। चलो सही जा रहा है, बट अभी थोड़ा सा मिस्टेक इससे हो गया, पार्किंग सही से नहीं होगा अभी, अब सही है। ये देखो लाइन के दोनों साइड एकदम सही से गया, और पीछे करो और पीछे होगा। सो ये तो पार्किंग हो गया, बेस्ट पार्किंग, बेस्ट उतना भी नहीं बोल सकते बट बेस्ट है, हाँ सही है। हम अपना भी दिखाएंगे लास्ट में कैसा पार्किंग है, हाँ सही है बॉक्स के अंदर है, बट वहाँ पे अगर दीवार होगा ना तो टकरा जाएगा तुमको मोड़ने में। चलो अच्छा है, तो अब एस बनाएगा ना, तो अभी देखो यहाँ से एस बनाने का स्टार्ट करेगा। एस यहाँ से ना थोड़ा सा मतलब ये प्रॉब्लम है गाइस, ये एस नहीं है बट जो इसका टास्क है ना उसके लिए सही है, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से एस ये सामने आएगा ऐसे, और यहाँ से एकदम सीधा जाना है, जबकि एस कैसे होता है ये ऐसे होता है ना एस, लेकिन इसका कुछ अलग ही मैटर है, ये मैं आपको बहुत ही जल्द बताने वाला हूँ। एस कम्प्लीट होगा फिर मैं आपको बताता हूँ। गलत काट रहा है भाई, गलत काट रहा है, अरे सीधा हो पहले, ये गलत हो गया भाई, सीधा पहले इधर चढ़ा के काटो ना, यहाँ पे चढ़ाओ उसके बाद काटो यहाँ पे। तो अभी इसको एस में ही प्रॉब्लम है और फिर वो पार्किंग में प्रॉब्लम है, बाकी एट में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, जो थोड़ा बहुत भी चलाते हैं ना उनको एट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एट हमेशा आगे की ओर जाता है और एस पीछे जाता है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये गलत हो गया भाई, भाई तुम लाइन पे जा रहा है पूरा, अब चला जाएगा लाइन पे भाई, बैट बॉल, ओ भाई बहुत दिन के बाद बॉल, भाई लेफ्ट हैंडर बन गए हम तो। ये अब सही आ रहा है, ये देखो भाई ये सही हुआ ना, ये सही है एकदम सही है, परफेक्ट है भाई, एकदम परफेक्ट है। पीछे अभी सीधा मत करो ना यार, अरे सीधा क्यों कर भाई, गलत काट रहा है, अरे गलत मत काटो, सही जा रहा भाई, मस्त है यार, सही है, सीधा एकदम आओ, सीधा लाइन को देखते हुए आओ, बहुत बढ़िया आ रहे हो, बहुत बढ़िया। ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, बट हमने ना जो दिल्ली में दिया था ना ड्राइविंग टेस्ट DTO ऑफिस में, वो वाली भाई नेक्स्ट लेवल वाली थी यार, बहुत ही भयानक वाली थी एस वो।
वो एक बार में मैंने क्वालिफाइड कर दिया था, बट क्या हुआ ना, अपना जो ग्रीन लाइट होता ना वो मैंने नहीं देखा रेड लाइट को, और क्रॉस कर दिया, उसमें फेल हो गए थे अपन लोग। बट बिहार शरीफ में उसी को परफेक्ट करके अपना डीएल ले लिए हाथ में। बट ये ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्टिंग नहीं है गाइस, ये कुछ और टेस्ट है जो कि मैं बताने वाला हूँ बहुत ही जल्द किस चीज़ का टेस्ट है। सही है परफेक्ट टेस्ट, सही है भाई, सही है ये राहुल, एस बिल्कुल सही बनाया भाई। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हाँ पार्किंग प्रॉब्लम अभी उधर रेट है। तो गाइस मैं बता दूँ, ये BTSC ड्राइवर का, ये राहुल का रिजल्ट हुआ था उसी में 10 तारीख को, 10 मार्च को इसका टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट है। तो उसमें क्या है, पहले तो लेगा सबसे पहले 8 जो भी होता है ना 7 फीट ऊँचा वाली, उस पर क्रॉसिंग वाली लेगी, बीच में जाके अपने को रोकनी है कार, और 1 मीटर भी नीचे नहीं होनी है, बस रोकनी है और फिर ऊपर की ओर जाके क्रॉस करनी है उसको। उसके बाद पार्किंग करनी है, फिर एस बनानी है, और फिर लास्ट में भाई क्या बनानी है पता नहीं। हाँ सही तो बोल रहा है ना, पहले 7 फीट, फिर हो गया पार्किंग, फिर 8, और फिर एस। तो यही चार उसका क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफाई कर लिए फिर जॉब कंप्लीटेड है गाइस। तो ये पार्किंग फिर से इस बार बेस्ट पार्किंग है इसका, तो यही राहुल का ही BTSC ड्राइवर में हुआ है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन इसको मेरे तरफ से, बस ड्राइविंग निकाल ले। सही है भाई, सही है, हो गया पार्किंग कंप्लीटेड। तो भाई कैसा लग रहा है परफेक्ट करके? भाई बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है भाई, एक सीट पे है भाई मेरा, एकदम सही बात है यार। भाई पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशन, पास कर जाएगा 100%, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहा है यार, उसी कारण से कार भी लिया था। तो बस आप लोगों का ऐसे ही ब्लेसिंग देना कि ये पास हो जाए, क्वालिफाइड कर जाए, और फिर इसको जॉब मिल जाए। तो हेलो गाइस, देखिए मेरे दोस्त भोला कुमार पार्किंग करने जा रहे हैं, देखिए कितना मस्त ड्राइव कर रहे हैं ट्रैक पे, देखिए। तो भाई ये तो भाई लगता है 3 मिनट में निकाल देगा हो तुम, इतना स्पीड में मारेगा हो। ये देखिए पार्किंग कर रहे हैं भाई साहब मेरे। जाओ जाओ, एकदम मस्त जा रहा, सुपर सुपर, आ जाओ, आ जाएगा मस्त, एकदम मस्त, एकदम मस्त काटा, मस्त पार्किंग, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ भाई हाँ, एस है, एस एस में रिवर्स। वाह सुपर बोला, सुपर। मस्त है भाई, क्या बात है यार, तुम लोग के रिजल्ट गाड़ी के अंदर से भाई। राहुल ये वाला मिरर देख रहा और पीछे के साइड कर रहा, ये देखो ये वाला मिरर, प्लस तीनों मिरर मिलाना पड़ता भाई। लेकिन जब स्ट्रेट जाओ ना तो हमेशा राइट साइड का मिरर और मिडिल मिरर, दोनों मिरर मिला के चलो। अच्छा ए नम स्टेरिंग को एकदम सीधा काट के चलना, बस वो राइट वाला मिरर देख के चलना, सारा कुछ हो जाएगा भाई। और फिर राहुल का भाई बस फाइनल हो जाए, फिर तो भाई गंदा वाला पार्टी मिलेगा अभी सारे लोग को, है ना राहुल? ये वाला एकदम परफेक्ट गया, एकदम सही गया भाई, देखो इधर से भी सही गया ये वाला, लेकिन थोड़ा सा राइट साइड में भी शायद चढ़ा होगा। स्टेरिंग घुमाना ये सही करना भूल जाता है लगता है राहुल सीधा, बाकी एकदम सही आया था, सही है भाई।